Hey, what's up guys? तो क्या हाल चाल आप सभी के गाइस। आज की वीडियो में हम एक रिव्यू करने वाले हैं एक कीबोर्ड एंड माउस की कॉम्बो का, एंड ये गेमिंग कीबोर्ड माउस का कॉम्बो होने वाला है, एंड ये एक रिन्यूड प्रोडक्ट होने वाला है। वैसे इसकी प्राइस होती है 1200 रुपये के आसपास, मैंने ये परचेज किया है 790 रुपये के आसपास। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, ये एंटी स्पोर्ट्स का कीबोर्ड एंड माउस का कॉम्बो है जो कि है KM500W नाम से आता है। वैसे बेसिकली 2200 रुपये के आसपास आता है। तो चेक करते हैं कि रिन्यूड प्रोडक्ट कैसा आपको देखने को मिलता है, एंड क्या आपको भी परचेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। एंड पहला, ये मेरा पहला गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस का कॉम्बो होने वाला है, तो हर एक चीज़ को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फटाफट से इसे अनबॉक्स करते हैं। वैसे अमेजोन से मुझे कुछ इस तरह का एक सिंपल सा बॉक्स मिला है। यहाँ पर मैं आपको एक बात ज़्यादा क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपका यदि बजट 1200-1500 नहीं है ना, आपको 700-800 के आसपास कीबोर्ड एंड माउस का कॉम्बो चाहिए गेमिंग वाला, तो आप जरूर इसे ट्राई कर सकते हैं। वैसे बॉक्स के अंदर अपना जो बॉक्स मिला ना, उसकी कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। हाँ ठीक है, डिसेंट सा था, बट भाई कंडीशन काफ़ी पुरानी थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि काफ़ी पुराना कीबोर्ड एंड माउस है। बट हाँ, यदि प्रोडक्ट अच्छा निकलता है तो मेरे को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो यहाँ पर मैं इसे अनबॉक्स कर लेता हूँ एंड चेक करते हैं कि भाई प्रोडक्ट अपना कैसा निकलता है इसके अंदर से। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का कीबोर्ड देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ पर इसके कुछ बटन्स मिसिंग थे, बट ठीक है, अंदर बॉक्स के अंदर मेरे को वो बटन्स मिल गए तो कोई बड़ी बात नहीं थी। एंड साथ में मेरे को यहाँ पर एक माउस भी देखने को मिला है। एंड यहाँ पर मैं आपको एक बात जरूर नोटिस करवाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बटन तो सारे हैं, बट यहाँ पर जो माउस है ना, वो यहाँ पर आपको एंटी स्पोर्ट्स का नहीं मिला मेरे को। यहाँ पर मेरे को जेब्रोनिक्स का जो ट्रांसफॉर्मर सीरीज आती है, जो कि 1200-1200 रुपये के आसपास आती है ना, उसका जो ये आपको माउस है ना, वो देखने को मिलता है। वैसे दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, बट हाँ, प्रोडक्ट तो एंटी स्पोर्ट्स का ही होना चाहिए था, बट नहीं मिला, वो अलग बात है। सबसे पहले हम रिन्यूड प्रोडक्ट में प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह के बारे में बात करते हैं, कि कीबोर्ड की क्वालिटी कैसी है, जो माउस है इसकी क्वालिटी कैसी है, इसके अंदर जो स्क्रेच वगैरह है वो कितने आपको देखने को मिलने वाले हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये माउस है जेब्रोनिक्स का माउस है, इसका जो एंटी स्पोर्ट्स का माउस है वो साथ में आपको देखने को नहीं मिला। बट ठीक है, ये भी जो माउस का कॉम्बो आता है ना जेब्रोनिक्स का ट्रांसफॉर्मर सीरीज का, वो भी आपको 1100-1200 के आसपास मिलता है, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। वैसा ही ऐसा ही माउस आपको वहाँ पर एंटी स्पोर्ट्स में देखने को मिलेगा, ऐसा ही यहाँ पर मिलता है, ज़्यादा कोई फर्क देखने को नहीं मिलने वाला। यहाँ पर माउस की क्वालिटी, स्क्रैच वगैरह की बात करें, तो माउस के पीछे की तरफ आपको कोई भी स्क्रैच देखने को नहीं मिलता, एकदम काफ़ी क्लीन है। एंड यहाँ पर जो स्टिकर्स है वो भी लगे हुए हैं, यानी ओपन नहीं किया गया माउस, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। आगे की तरफ देखें तो आपको यहाँ पर स्क्रैच देखने को मिलते हैं, काफ़ी अच्छे खासे स्क्रैच आगे की तरफ। लेफ्ट साइड में आप बटन के पास देखे हुए ना, तो यहाँ पर अच्छे खासे स्क्रैच है, बाकी राइट साइड वगैरह में कोई स्क्रैच नहीं है। नॉर्मली डिसेंट सा माउस है, क्वालिटी काफ़ी सही है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। हाँ थोड़े बहुत स्क्रैच आगे की तरफ है, बट इतना चलता है क्योंकि 400 रुपये मैंने कम भी दिए, तो ओवरऑल ठीक है क्वालिटी। वैसे यहाँ पर माउस के जो बटन्स वगैरह है वो काफ़ी सॉफ्टली प्रेस हो जाते हैं, एंड काफ़ी सही है। एंड लेफ्ट साइड में देखें तो यहाँ पर आपको दो एक्स्ट्रा स्विच भी दिए गए हैं, जिन्हें आप अपने गेमिंग वगैरह के अकॉर्डिंग आप अपने चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको DPI का बटन दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर 4 DPI के मोड मिल जाते हैं, यानी आप यहाँ पर सेंसिटिविटी बोल सकते हैं कि माउस कितना सेंसिटिव होगा, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, काफ़ी सही है। एंड ओवरऑल जो माउस का वेट भी है ना, वो भी काफ़ी बैलेंस है, मतलब ज़्यादा हैवी भी नहीं है एंड ज़्यादा लाइट वेट भी नहीं है, मेरे को काफ़ी सही लगा। अब यदि हम कीबोर्ड की क्वालिटी की बात करें, तो वैसे कीबोर्ड की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो काफ़ी सही है, मतलब आप इसे फ्लैक्स करके देख लीजिए, बिल्कुल भी फ्लैक्स नहीं हो रहा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कीबोर्ड है। एंड यहाँ पर एक मेरे को डेंट देखने को मिला, हल्का सा डेंट है राइट साइड में ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल रहा होगा, बट थोड़ा सा है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 400 रुपये मैंने कम भी दिया है रिन्यूड के नाम पे, तो ओवरऑल कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बैक की तरफ देखें तो आपको कोई भी स्क्रैच देखने को नहीं मिलता, एकदम क्लीन नया आपको यहाँ पर कीबोर्ड देखने को मिलता है। एंड मे बी हो सकता है ये ओपन हो, क्योंकि इसके स्टिकर वगैरह कोई लगाओ नहीं हुआ स्क्रू के ऊपर, बट ओवरऑल देखें तो आगे की तरफ भी आपको कोई ज़्यादा स्क्रैच वगैरह देखने को नहीं मिलते, एकदम नया ही आपको यह कीबोर्ड देखने को मिल जाता है। हाँ ये डेंट है, ये मे बी हो सकता है कि शिपिंग के दौरान हुआ हो, बट ओवरऑल आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आपको कीबोर्ड देखने को मिल जाता है। अब बेसिकली आपको ये चीज़ पता होगी कि ये एक मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं है, बल्कि एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड ही है, बट यहाँ पर आपको जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा मैकेनिकल वाला मिल जाता है। वैसे यहाँ पर आपको जो RGB लाइट है वो काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर एक आपको लाइट का बटन भी मिल जाता है, जिसके थ्रू आप इसे चेंज कर सकते हैं, 3 मोड मिल जाते हैं। एंड साथ में यदि आप इसे ऑफ करना चाहते हो तो ऑफ भी कर सकते हो। एंड साथ में जो आपको फंक्शन की है उसके साथ प्रेस करोगे तो ये ब्रीदिंग मोड में चला जाता है, जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा इफेक्ट देखने को मिल जाता है। एंड बेसिकली यहाँ पर आपको जो टाइपिंग का एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा मैकेनिकल वाला होने वाला है। वैसे मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं है, बट फिर भी आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस ये वाला कीबोर्ड आपको 1200-1500 रुपये के अंदर प्रोवाइड करा देता है। एंड यहाँ पर जो माउस की केबल है वो आपको ब्रीडेड केबल देखने को मिल जाती है, बट यहाँ पर जो कीबोर्ड की वायर है वो आपको सिंपल केबल देखने को मिलती है रबर वाली, तो वहाँ पर आपको डिसेंट सी क्वालिटी मिल जाती है। सो गाइस, ये था हमारा मैकेनिकल कीबोर्ड एंड माउस का कॉम्बो। वैसे मैं आपको बता दूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी सही रहा है, मतलब हाँ माउस दूसरी कंपनी का आया है, बट ओवरऑल काफ़ी
सही है, माउस भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। एंड इसकी क्वालिटी की बात की कीबोर्ड की, तो वो एकदम नया जैसा ही आया है, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भी यदि ट्राई करना चाहते हैं कोई रिन्यूड प्रोडक्ट को कर सकते हैं, आपको वहाँ पर आपको रिटर्न या फिर रिफंड का ऑप्शन मिल जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजिली ट्राई कर सकते हैं। एंड मेरे हिसाब से 800 रुपये में मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी डील रही है। तो यदि आपको भी चेकआउट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं भी आपको कुछ रिन्यूड प्रोडक्ट की लिंक दे दूंगा, इस कॉम्बो की भी लिंक दे दूंगा एंड अदर प्रोडक्ट्स की भी लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड ओवरऑल मुझे पर्सनली ये कॉम्बो काफ़ी पसंद आया है, एंड आपको कैसा लगा वो जरूर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड गाइज मिलते हैं अगले किसी वीडियो में अगले किसी टेक या टेक न्यूज़ के साथ। एंड एक बात हो, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सो गाइज मिलते हैं अगले किसी वीडियो में अगले किसी टेक या टेक न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।